हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर, सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। 25 दिसंबर को फिल्म रिलीज की फाइट में आमिर और रणबीर में किसकी हुई हार और किसकी हुई जीत? अनुष्का शर्मा ने कुछ दिनों के लिए क्यों किया मीडिया इंटरेक्शन से इनकार? स्कूप ऑफ द डे में आज बॉलीवुड के दो एक्टर्स की लव लाइफ का करेंगे खुलासा। शाहरुख खान का बेटा आर्यन अचानक क्यों छाया है न्यूज में? दीपिका पादुकोण के किस फैसले से लगा है संजय लीला बंसाली को जोरों का झटका? बताएंगे हरमन बवेजा बिपाशा की मॉम को किस तरह इम्प्रेस करने की कर रहे हैं कोशिश। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट और आमिर खान की फिल्म पीके 25 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज हो रही है। इन दोनों फिल्म्स के इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को साल का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है। पर अब जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि इन दोनों फिल्म्स में से एक फिल्म के मेकर्स ने हार मानकर अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है। आप भी देखिए फिल्म रिलीज के इस फाइट में हुई किसकी जीत। No, he's not approached me. He's not approached me. And I don't know which other films are releasing on that day. आखिरकार टलने जा रहा है इस साल क्रिसमस के दिन होने वाला एक बड़ा क्लैश। आमिर खान की फिल्म पीके के सामने नहीं उतरेगी रणबीर कपूर की फिल्म। अनुष्का शर्मा की बॉम्बे वेलवेट से नहीं होगी अनुष्का की ही फिल्म पीके से टक्कर। सोर्सेस से पता चला है कि क्रिसमस के दिन रिलीज हो रही पीके के सामने रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज करने का इरादा छोड़ दिया है अनुराग कश्यप ने। और रणबीर की फिल्म के पोस्टपोन होने की खबर के साथ ही टलता नजर आ रहा है बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स का बॉक्स ऑफिस क्लैश। जी हाँ, खबर इसलिए बड़ी है कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जब तक है जान और सनम सरदार की भिड़ंत से जहाँ 2012 की दिवाली पर बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट बढ़ गया था, तो वहीं पिछले साल ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की टक्कर से एकता के बैनर को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स की लड़ाई ने जो डैमेज किया था सो अलग। ऐसे में लगता है कि बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने आमिर की फिल्म से टक्कर ना लेने में ही भलाई समझी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रणबीर की फिल्म को अब आमिर की पीके की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर उतारा जाएगा। वैसे पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि आमिर और उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को अनुराग कश्यप और बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स इन दोनों फिल्मों की रिलीज एडजस्ट करने के लिए मनाने में जुटे हैं। I've always felt that, you know, films have space, you know, there's so many theaters. Two films, three films can release on the same day, there's no problem. And if the films are good, then both will do well. हालांकि रिसेंटली अपने बर्थडे पर आमिर खान ने ऐसी खबरों से इंकार किया था। वहीं जब हमने इस खबर पर बॉम्बे वेलवेट के प्रोड्यूसर्स में से एक फॉक्स स्टार स्टूडियो से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसी खबरों को सिरे से खारिज करके इसे र्यूमर बता दिया। पर इसके बावजूद ऐसी बातों से इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुराग कश्यप शायद ही अपने इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर कोई रिस्क उठाना चाहें। आखिर ये रणबीर कपूर के साथ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, वहीं बॉम्बे वेलवेट को लेकर रणबीर भी थोड़े कॉन्शियस जरूर होंगे क्योंकि उनकी पिछली रिलीज शर्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। ऐसे में आप ही बताइए कि आमिर जैसे मार्केटिंग किंग और परफेक्शनिस्ट सुपरस्टार का सामना करने की हिम्मत भला कोई यंगर सुपरस्टार कैसे जुटा सकता है। और सोर्सेस से जो इशारा मिला है उससे तो यही लगता है कि शायद पीके और बॉम्बे वेलवेट के क्लैश की कहानी में हो भी कुछ वैसा ही रहा है। बस इंतजार है तो मैदान छोड़कर पीछे हटने की बदनामी से बचने के लिए किसी बड़े बहाने का, यानी फिलहाल उस ऐलान के लिए थोड़ा और इंतजार तो करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अचानक अपने ब्रांड्स के प्रमोशनल इवेंट्स को अटेंड करने से इनकार कर दिया है। आप भी देखिए क्या है अनुष्का के इस सरप्राइजिंग डिसीजन की वजह। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के लिंकअप की खबर इस वक्त बॉलीवुड गलियारे की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि इन दोनों सेलिब्रिटीज के रिश्ते की सच्चाई क्या है। ऐसे में मीडिया पर्सन अनुष्का और विराट दोनों से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन दोनों सेलिब्रिटीज ने फैसला कर लिया है कि अपने लिंकअप से जुड़े किसी भी सवाल पर ये दोनों स्टार्स बात नहीं करेंगे। जी हाँ, जूम सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि अनुष्का शर्मा ने अपने स्टाफ मेंबर्स को साफ कहा है कि वो इस बात
का ख्याल रखें कि उनका आमना सामना मीडिया से ना हो जाए। यही नहीं, अनुष्का ने अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी यश राज को भी साफ कह दिया है कि वो हाल फिलहाल अपने किसी ब्रांड के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगी। दरअसल अनुष्का शर्मा का ब्रांड चाहता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ब्रांड को प्रमोट करें, लेकिन अनुष्का ने साफ कह दिया कि वो हाल फिलहाल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मतलब साफ है कि अनुष्का ने मीडिया से दूरी बनाकर रखने की पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि मीडिया में अनुष्का और विराट कोहली के लिंकअप की खबर आई कहां से? Well, तो हम आपको बता दें कि खुद अनुष्का शर्मा ने करण जौहर के चैट शो पर विराट कोहली से जुड़ी बातों का जवाब देकर इस न्यूज को हवा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अनुष्का को अपने प्राइवेट लाइफ की इतनी ही ज्यादा फिक्र थी तो उन्होंने करण के शो पर ये बातें क्यों की? Well, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहले अपने लिंकअप की न्यूज को खुद ही हवा देते हैं, लेकिन जब मीडिया में उनसे इन खबरों पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की जाती है तो वो मीडिया को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब साफ है कि स्टार्स आजकल न्यूज में बने रहने के लिए ये नए नए आइडियाज अपना रहे हैं। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। शाहरुख खान का बेटा आर्यन अचानक कल से न्यूज हेडलाइंस में छाया हुआ है। वेल, क्या है आर्यन के न्यूज में आने की वजह? लेट्स फाइंड आउट। कहते हैं पिता के नक्शे कदम पर जब बेटा चलता है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को ही होती है। तो क्या किंग खान भी खुश होंगे जब अपने बेटे की ऐसी तस्वीर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ इस अंदाज में देखेंगे? यह है शाहरुख के साहबजादे आर्यन खान, जो इस पिक्चर में फीमेल अटेंशन से घिरे हुए हैं। लगता तो यही है कि जस्ट लाइक हिज फादर, इवन आर्यन खान इज वेरी पॉपुलर इन लंदन। द टीनेजर सेल्फी विद टू गर्ल्स किसिंग हिम ऑन बोथ हिज चीक्स हैज गॉन वायरल ऑन वेब। SRK वाज आल्सो रिसेंटली स्पॉटेड इन लंदन, जहां वो अपने बेटे को सी ऑफ करने आए थे। एज आर्यन खान इज स्टारिंग इन लंदन, किंग खान की फीमेल फैंस और उनकी दीवानगी कितनी है इसका पता तो सबको है। विद आर्यन्स पिक्चर गोइंग वायरल ऑन द नेट, एक बात तो निकल कर सामने आ ही गई है कि SRK की फीमेल फैन फॉलोइंग को टक्कर देने उनका खुद का चिराग सामने आ गया है। फकुनाल मांदेकर, जूम मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने मेंटर संजय लीला बंसाली की अपकमिंग फिल्म करने से इनकार कर दिया है। क्या है दीपिका के इस बड़े डिसीजन की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दीपिका पादुकोण इज द हॉट फेवरेट ऑफ एवरी डायरेक्टर, बी इट इम्तियाज अली, अयान मुखर्जी एंड मेनी अदर्स। सब चाहते हैं दीपिका पादुकोण को अपनी फिल्म में कास्ट करना। और दीपिका की जिंदगी में ये बदलाव आया रामलीला के बाद, जब अपने अभिनय से दीपिका ने सबका मन मोह लिया। फिर क्या था, ऑफर्स और फिल्म्स की कुछ ऐसी लाइन उनके आगे लग चुकी है कि उनके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन दीपिका को क्या चाहिए, शायद इसका आभास उनको है। दैट्स व्हाई शी हैज गिवन हर डेट्स टू करण जौहर शुद्धि एंड हैज सेड नो टू संजय लीलाज बाजीराव मस्तानी। इस बात से बी टाउन में अलग ही लहर है कि दीपिका ने संजय लीला को क्यों मना किया, वो डायरेक्टर जिसकी वजह से दीपिका के एक्टिंग करियर को एक अलग पहचान मिली, उसके बावजूद दीपिका ने मना किया बाजीराव मस्तानी को। वैसे भी बाजीराव मस्तानी से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। करीना कपूर वाज कीन टू वर्क ऑन बाजीराव मस्तानी, बट संजय लीला भंसाली सेड अ नो। वही शुद्धि के लिए करीना ने मना कर दिया। She said, when there is no Hrithik in the film, then why should she be a part of it? The dates Bhansali wanted from Deepika have been allotted to Karan Johar Shuddhi. This is why the actress is not in a position to play Mastani in the former's film. Well, the final cast of the film will be known after the formal announcement. Till then, keep guessing. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Harman Baweja aur Bipasha Basu ka rishta ab next level par pahunch chuka hai. क्योंकि हरमन आजकल बिपाशा की मॉम को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। आप भी देखिए कैसे हरमन अपनी मदर इन लॉ को कर रहे हैं इम्प्रेस। Things are getting pretty serious between Harman and Bipasha. और ये important information हमें मिली है खुद Harman Baweja से। Harman अपनी girlfriend Bipasha के लिए already Bengali सीख चुके हैं और recently Harman Bipasha की mom से भी मिले। और recently हमसे बात करते हुए Harman ने बातों बातों में बताया कि किस तरह he understands what Bips and her mom says when they are having dinner together. I'm very linguistic. So basically, Bipasha has to talk with the family. You understand everything. She's like, you understand. There are no secrets. I can catch everything they're saying. First few months, I would pretend like I don't understand anything. Like, huh? And then after a point, you know, sometimes by default, you respond like something's happening. He wants to eat this, he doesn't. I said, no, I'll eat it, it's fine. She said, how do you know what my mom's saying? I was like, well.
I just know Bengali. I just wasn't coming out with it. Well, isn't that sweet? After all, agar Bips ne Harman ko apni mummy se milvaya, to ye prove karta hai ki she's quite serious about him. Par kya Bipasha ki mummy unse impressed hain? Kya Harman Bipasha ki mom ko impress karne ki koshish karte hain? You met her mother and everybody. That's very sweet. So is auntie impressed with you? Do you behave differently? I don't know that. You'll have to ask her. But do you behave differently when you meet her parents and stuff like that, or are you? I'm pretty much the way I am right now. Is the way I am pretty much every day in life. Yeah. There's not much of a change in me. No. No. Except that he's blushing now and he's talking. Am I really? No. No. Straight face, poker face. Well, great. Looks like things are getting pretty well for them. Do we hear wedding bells somewhere soon? For Rudrani Chatteraj, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बन गई है डिजाइनर और दीपिका ने फैसला किया है कि वो कुछ खास लोगों के लिए ही डिजाइन करेंगी क्लोथ्स। आप भी देखिए कौन है वो लकी फ्यू। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बन गई है डिजाइनर। दीपिका पादुकोण खुद डिजाइन करेंगी अपना कलेक्शन, लेकिन दीपिका का ये कलेक्शन सेलिब्रिटीज के लिए नहीं बल्कि होगा उनके फैंस के लिए। यस, सोर्सेस की माने तो दीपिका पादुकोण ने एक ब्रांड के साथ टाई अप करके अपना क्लोथिंग लाइन लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके तहत दीपिका डिजाइनर्स के साथ मिलकर कुछ खास तरह के कपड़ों को डिजाइन करेंगी। और इन कपड़ों को लॉन्च करने के लिए भी दीपिका ने एक यूनिक आइडिया निकाला है। सबसे पहले दीपिका अपने कुछ खास फैंस को सिलेक्ट करेंगी, फिर इन फैंस को रैंप वॉक करने की ट्रेनिंग देंगी और इन फैंस के जरिए ही अपना कलेक्शन लॉन्च करेंगी। वेल, साफ है दीपिका अपने इस नए जॉब को काफी सीरियसली ले रही हैं और दीपिका के इस टैलेंट को देखकर साफ है कि आने वाले समय में डीपी कलेक्शन काफी पॉपुलर हो सकता है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में हुआ टाइम्स नाउ NRI अवार्ड्स, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी को सपोर्ट करने पहुंचे। टेक अ लुक। कल रात में हुआ टाइम्स नाउ NRI अवार्ड्स और यहाँ स्पेशल गेस्ट बनकर नजर आए अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, आफताब शिवदासानी, लक्ष्मीज हीरोइन मोनाली ठाकुर, नगेश कुकुनूर, पूजा बेदी, शेखर सुमन, दिव्या दत्ता एंड मेनी अदर्स। अमिताभ बच्चन को यहाँ इंडियाज ग्लोबल आइकन के टाइटल से नवाजा गया, जिसे हासिल करते हुए बिग बी काफी खुश नजर आए। धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइम्स नाउ को, ICICI बैंक को, कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार से आज सम्मानित किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं केवल एक अकेला इंसान नहीं हूं जिसे ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया का की बात की जाए तो मेरे बहुत से साथी हैं, बहुत से जवान जनरेशन, यंगर जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी वजह से भारत की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दूर देशों में जानी जाती है। तो उन सब की तरफ से ये पुरस्कार मैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ये पुरस्कार सभी को डेडिकेट किया। वहीं यहाँ आए सेलेब से भी जाना ऑन हाउ गुड इट फील्स टू बी एट दिस इवेंट। आई थिंक द सिंपल थिंग इज दैट द कंट्री इज रिस्पेक्टिंग ऑल द एंड फेलिसिटेटिंग ऑफ कोर्स ऑल द इंडियंस हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो इट्स काइंड ऑफ नाइस दैट व्हेन यू लीव इंडिया एंड यू गो plant roots elsewhere that you never really forget the home country, or actually the home country doesn't forget you. So it's a nice plus. अच्छी पहल, खूबसूरत पहल। जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग अपने देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको पुरस्कृत करना ज़रूरी है, उनको एक रिकग्निशन देना ज़रूरी है। हालांकि वो इस पुरस्कार के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो वाकई समाज सेवी हैं, वो वाकई अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, बिजनेस क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, चाहे वो फिल्में बनाते हैं, वो किताबें लिखते हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो मीडिया के फील्ड में जो भी हैं, पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Well, I just like to say it's very nice that somebody's taken an initiative to celebrate Indianness outside of India and to acknowledge what the NRIs of our country do. So it's really nice to give away an award for things that they've been doing outside. And feels great to be giving them this award. And this is my first time I'm coming for this. मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल अलग तरह का award लगा। Great initiative, and I feel that honoring NRIs is like honoring our own family members who have just gone abroad and given us great name. I always maintain that Indians living abroad are much more
Indians in soul and in their being than Indians over here. They maintain the traditions, they maintain the values, they maintain a certain kind of connection with India, and I think they are not doing proud to us only abroad but also in India. तो इसी तरह से सितारों से भरी ये रंगीन शाम एक खूबसूरत मकाम पर आकर खत्म हो गई। कुणाल मांडेकर, Zoom Mumbai. प्लेनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आज खुलासा करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दो एक्टर्स की लव लाइफ का, और साथ ही बताएंगे बिपाशा हरमन की फिल्म ढिशक्याओं के कुछ सीन्स को डिलीट करने की क्यों कर रही है डिमांड। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो मनीष शर्मा की अपकमिंग फिल्म फैन के लिए यशराज फिल्म्स ने एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनमन को हायर किया है। दरअसल फिल्म में शाहरुख खान का लुक काफी डिफरेंट होने वाला है। यही वजह है कि ग्रेग SRK के कई लुक्स को फिल्म मेकर्स को दिखाएंगे और इनमें से एक लुक को फिल्म के लिए फाइनलाइज किया जाएगा। वैसे ग्रेग इंडिया पहुंच चुके हैं और रिसेंटली शाहरुख खान से उनकी मुलाकात भी हुई है। SRK स्टारर इस फिल्म की शूटिंग मई महीने में शुरू होने वाली है। शुजीत सरकार की फिल्म पीकू में दीपिका पादुकोण एक्टर इरफान खान के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, इन दोनों स्टार्स को इस फिल्म में काफी पहले ही साइन कर लिया गया था, लेकिन फिल्म में इनके कैरेक्टर्स को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई थी। पर अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में दीपिका इरफान की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही हैं। साजिद खान की अपकमिंग फिल्म हम शक्ल में आपको सैफ अली खान और रितेश देशमुख का दोस्ताना देखने को मिलेगा। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में रितेश और सैफ का रोल काफी कुछ दोस्ताना के अभिषेक और जॉन के रोल से मिलता जुलता है। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर साजिद खान ने रिलीज किया है। खबरों की माने तो रिसेंटली फिल्म ढिशक्याओं की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां पर हरमन बवेजा के सारे करीबी मौजूद थे। विपाशा बासु भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर हरमन के साथ पहुंची थीं। और सोर्सेस की माने तो इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद विपाशा ने फिल्म के डायरेक्टर और खुद हरमन को ये कहकर चौंका दिया कि वो चाहती हैं कि फिल्म के इंटीमेट सीन्स को फाइनल कट से हटा दिया जाए। खबरों की माने तो रोहन सिप्पी एक सुपर हीरो फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रोहन की ये फिल्म राइटर सुमित बासु के बुक टर्बुलेंस पर बेस्ड होगी। सुमित की इस बुक के राइट्स खरीदने के लिए कई हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने बोली लगाई थी, लेकिन रोहन सिप्पी को ये बुक इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस बुक के राइट्स खरीद लिए हैं। रोहन सिप्पी की इस फिल्म के कास्ट को फिलहाल फाइनलाइज नहीं किया गया है। खबरों की माने तो विकास बहल की अपकमिंग फिल्म शानदार की एक्ट्रेस का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। जी हाँ, इस फिल्म में शाहिद कपूर के ऑपोजिट एक्ट्रेस आलिया भट्ट नजर आ सकती हैं। वैसे अब तक ऑफिशियली इस न्यूज को विकास ने कंफर्म नहीं किया है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने करण जौहर के साथ काम करने के लिए संजय लीला भंसाली के एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, करण जौहर की शुद्धि और संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के डेट्स क्लैश हो रहे थे। ऐसे में दीपिका इनमें से एक ही फिल्म पर काम कर सकती थी। ऐसे में दीपिका ने करण जौहर की फिल्म को करने का फैसला किया है। फिल्म मेकर्स नीरज पांडे और इम्तियाज अली ने अपने फैंस को वॉर्न किया है कि वो उनके फेक आईडी से आने वाले मेल्स का रिप्लाई ना करें। दरअसल आजकल कुछ न्यू कमर्स को इन दोनों बड़े डायरेक्टर्स का नाम लेकर फेक मेल्स आ रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्टर्स अपनी फिल्म में इन न्यू कमर्स को कास्ट करना चाहते हैं। ऐसे में इन दोनों डायरेक्टर्स ने अब पुलिस में इस मामले की शिकायत करवाई है। विशिंग इमरान हाशमी अ वेरी हैप्पी 35th बर्थडे। सीरियल किसर के नाम से फेमस इमरान ने इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम कमाया है, एंड ही हैज आल्सो डन सम मीटी रोल्स व्हिच द ऑडियंस हैव रियली लाइक्ड। इमरान को हिट मशीन का टाइटल भी दिया गया है। रणबीर कपूर टू प्ले संजय दत्त। रूमर्स आर डूइंग द राउंड्स दैट राजकुमार हिरानी, जिन्होंने संजू के साथ मुन्ना भाई सीरीज बनाई थी, अब संजय दत्त पर एक बायोपिक प्लान कर रहे हैं, एंड ही माइट साइन रणबीर कपूर टू एसे दैट रोल। एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके डैड अनिल कपूर एक इम्पोर्टेंट शख्स के हाँ या ना के बाद ही आजकल किसी फिल्म को साइन कर रहे हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। आप भी देखिए कौन है जिस पर अनिल कपूर और सोनम को है इतना ज्यादा भरोसा।
Sonam Kapoor is one of the topmost actresses in Bollywood. Or Sonam's family itself has a filmy background. Be it Sonam's sister Riya as well, who produced Aisha. And these days, Sonam ke brother Harsh Vardhan bhi Bollywood mein bahut jald debut karne wale hain. To kya Sonam de rahi hain apne bro ko kuch tips? Chaliye Sonam se hi exclusively jante hain. I don't think he wants to listen to our younger brothers. They don't think you say anything or do anything right. He's giving me tips. अरे ये तो अलग ही माजरा हो गया. जहाँ सोनम को अपने भाई को टिप्स देना चाहिए, वहीं उनके ब्रो ये काम कर रहे हैं. तो चलिए सोनम से जानते हैं कि उनके लिटिल ब्रो से उन्हें क्या क्या टिप्स मिलती हैं. Yeah, don't do this film, blah blah blah. Yeah. He does that to my father, so he started doing that to me as well. वाह क्या बात है. सोनम को ही नहीं बल्कि हर्षवर्धन तो अपने डैड को भी टिप्स दे चुके हैं. अब जब लिटिल ब्रो ने अपनी सिस को इतनी नसीहतें दे दी हैं, वी होप सोनम फॉलोज इट टू. फरोद्रानी चटोराज, जूम मुंबई. एक्ट्रेस अलियाना डिक्रूज ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वरुण धवन ऐसे लड़के हैं जिसे वो अपनी मॉम से मिलवा सकती है. एलियाना के इस बयान के आते ही कई तरह के मतलब निकाले जाने लगे और अब जाकर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने पूरे स्टेटमेंट पर एलियाना ने दिया है क्लैरिफिकेशन. वरुण इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड मैंने कहा था कि वरुण की जो क्वालिटीज है एज अ पर्सन, ही इज ग्राउंडेड, ही इज सच अ स्वीट बॉय. तो मेरे हिसाब से आई थिंक द गर्ल्स लाइक हिम सो मच बिकॉज ऑल्सो ही इज गॉट अ लिटिल बिट ऑफ अ बैड बॉय थिंग बट एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी नाइस गाय. वेल ये है एलियाना के दिल की बात. Though here she's trying to tell that Varun is the right guy for many girls. Lekin kuch dino pehle bhi Ilyana ne ek interview mein kaha tha that Varun is a charmer and he knows how to handle a girl. Ilyana ne to ye tak keh diya tha ki Varun ke andar wo sari qualities hain jo wo apne partner mein dekhna chahti hain. Film Main Tera Hero mein Ilyana DeCruz, Varun Dhawan aur Nargis ki chemistry is looking sparkling. It's a David Dhawan thriller aur promos ko dekhkar lagta hai ki film will be an out and out entertainer. Ilyana ne ye bhi kaha ki is film ko dekhkar Varun se sabko itna pyar ho jayega that the girls will want their parents to meet him. He's the kind of guy that all you girls would want to take home to your mama and say like, see, this is my boyfriend. Ilyana apni film ke bare mein baat karte hue kehti hain ki I think hum log itna promotion kar rahe hain and we've said so much already. But the main cheez ye hai ki we had so much fun, you know, off screen aur hum teeno we become such good friends. So I think wo aapko dikhai dega, you know, on screen and I think that's the USP. David ji ki film hai with his son. So it's really funny. It's a typical David Dhawan film aur I'm sure you all are big fans of his work. Well, film ko release se pehle kaafi acha response mila hai and teen ka ye tadka bhi zordar dikh raha hai. From the looks of it, the film has everything that can make it a success. Ab to iski box office reports hi batayegi ki इस फिल्म का क्या हाल होने वाला है. फरोशनी दुबे, जूम मुंबई. एक्टर जैकी भगनानी अपनी फिल्म यंगिस्तान को प्रमोट करने पहुंचे एक डांस रियलिटी शो के सेट पर और यहां जैकी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. जैकी भगनानी पहुंचे एक रियलिटी शो के सेट्स पर टू प्रमोट हिज फिल्म यंगिस्तान. बट बिफोर गोइंग ऑन द शो, जैकी से जूम ने की एक्सक्लूसिवली बात. और जैकी यहां अपनी फिल्म के अटायर में नहीं थे और इसके बारे में हमें जैकी ने बताया क्यों फॉर अ चेंज ही चोज टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फिल्म्स लुक. प्राइम मिनिस्टर के लुक में बहुत घूम रहा था तो सब लोग मुझे असली में प्राइम मिनिस्टर समझने लगे थे. तो मैंने बोला यार एक फॉर अ चेंज ये तो लोगों को याद दिलाऊं कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूं और नॉर्मल चीजें करता हूं और भी बस जिम करके आया हूं. मेरी बुगी बुगी की शूट है. So yeah, this is what Jackie Bhagnani is. अगर जैकी इसी लुक में प्रधानमंत्री बनते तो भी लोगों को काफी पसंद आते. वैसे प्रमोशंस तो जैकी जोरों शोरों से कर ही रहे हैं. तो प्रमोशन के जरिए ही जैकी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी फिल्म के लिए. चार साल से मेहनत कर रहा हूँ, फाइनली अब लोगों को पसंद आ रहा है. सो अच्छा लगता है क्योंकि हम सब मेहनत करते हैं लोगों के लिए, हम सब मेहनत करते हैं ऑडियंस को पसंद आने के लिए. सो फाइनली लग रहा है इस फिल्म में कुछ हो जाएगा, चौका लग जाएगा और छक्का लग जाए तो और भी अच्छा है. वैसे रिसेंटली जैकी के डैड ने एक बैश थ्रो की फॉर द इंडस्ट्री पीपल. उसके बारे में चलिए जानते हैं जैकी से. ऑलमोस्ट सब लोग आए थे जिन्होंने के साथ भी डैड ने काम किया है और बहुत अच्छा लगता है कि यू नो डैड ने इतने लोगों के साथ काम किया है. और मुझे हमेशा सब लोग बोलते थे कि यू नो आपके डैड हैं और आपके लिए ये सब करते हैं. तो मैं तो मानता हूँ मेरे डैड है और मेरे लिए तो करेंगे ही. लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मेरे जैसा सबके लिए किया है. यू नो इतने सारे लोग आए थे तो अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो आई फील दैट यू नो ऐसे फंक्शंस और होने चाहिए, यू नो, जहाँ यूनिटी होती है और कोई बिना एजेंडा के लोग आते हैं. सारे इंडस्ट्री वाले मस्ती करते हैं, मीडिया वाले भी थे साथ में. कमिंग बैक टू द फिल्म, प्राइम मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड नेहा शर्मा वाज मिसिंग फ्रॉम दिस प्रमोशन. कहाँ है जैकी की गर्लफ्रेंड, उनसे पूछते हैं. नेहा आज कहीं और बिजी है,
तो एक हफ्ता ही रह गया है, 4-5 दिन में फिल्म रिलीज़ है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आधा आधा बांट लें। तो डांसिंग का डिपार्टमेंट वो मुझे दे देती है और यू नो बात करने का डिपार्टमेंट मैं उसे दे देता हूँ। सो हम ऐसे शेयर कर रहे हैं, यू नो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड कहीं और संभाल रही है कैंपेनिंग, मैं कहीं और कैंपेनिंग कर रहा हूँ। Well, PM और उनकी गर्लफ्रेंड ने अलग अलग जगह कैंपेनिंग करके फिल्म को प्रमोट तो कर ही दिया है। We hope कि इस प्रमोशन स्ट्रेटेजी के बाद आपकी ऑडियंस तक आपकी आवाज पहुँचे और आपकी फिल्म को ज्यादातर वोट्स मिले। फॉर सलमा खान, जूम मुंबई। प्लान बालवर्ड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रोहित शेट्टी टेलीविजन एक्टर के गॉडफादर बन गए हैं, तभी तो एक के बाद एक टेलीविजन एक्टर्स को रोहित अपनी फिल्म्स में दे रहे हैं जगह। आप भी देखिए इस बार किसके करियर को बनाने की तैयारी में है रोहित। अक्सर आपने इनको टेलीविजन पर मर्डर मिस्ट्रीज एंड थ्रिलर केसेस को सॉल्व करते हुए देखा होगा और आप सबके चहेते दया ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया है दैट ही विल सून बी सीन इन रोहित शेट्टीज नेक्स्ट फ्लिक। सिंघम 2 कर रहा हूं मैं। किस तरह का, क्या उसमें भी कुछ कॉप्स का रोल होगा? हाँ, कॉप का ही है। सिंघम बाजीराव सिंघम के साथ एक कॉप है, नाम वही है इंस्पेक्टर दयानंद शेट्टी। सिंघम 2 इज रोहित्स नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर दैट विल रिलीज एट द टाइम ऑफ दिवाली। अजय देवगन एक बार फिर एक कॉप के रोल में नजर आएंगे। करीना कपूर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फिल्म एंड नाउ दयानंद चंद्रशेखर शेट्टी नोन एज दया माइट ऑल्सो बी सीन इन सिंघम 2। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। और अब वक्त है स्कूप ऑफ द डे का, जहां हम आपको देंगे बॉलीवुड गलियारे में चल रही सबसे बड़ी हॉट गॉसिप की अपडेट। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर भले ही अपने लिंकअप की खबरों को रूमर का नाम दें, लेकिन जूम को रिलायबल सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अर्जुन के एक क्लोज फ्रेंड ने अपना नाम ना रिवील करने की शर्त पर हमें बताया है कि टू स्टेट्स की शूटिंग के समय से ही ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अपने करियर को ध्यान में रखते हुए ये दोनों स्टार अपने रिलेशनशिप की सच्चाई सबको बताना नहीं चाहते। आलिया और अर्जुन से भी जब इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तो ये दोनों स्टार्स इस न्यूज को गलत बता देते हैं, लेकिन अब जबकि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ऐसे में नेक्स्ट टाइम जब भी हम इन दोनों स्टार से मिलेंगे तो उनसे इस कंफर्म न्यूज पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। हरमन बवेजा काफी टाइम बाद दिखने वाले हैं ऑन स्क्रीन, तो इस चैटरटी में हम पता करने वाले हैं ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिन्हें आप कमबैक करते हुए देखना चाहेंगे और ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिन्हें आप कमबैक करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस चैटरटी। काफी मूवीज देखते हैं? जी हाँ, देखते बहुत बहुत देखते हैं जी हाँ। तो आपको पता होगा कौन आता है, कौन आज किसकी मूवीज चल रही है ना? तो आप ये बताइए कि कैसे कुछ एक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड में जो काफी टाइम से स्क्रीन ऑन स्क्रीन दिखे ही नहीं, मूवीज नहीं दिखी उनकी, तो आपको मुझे बताना है कि ऐसा वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस होगी जिनको आप कमबैक करते हुए देखना चाहेंगे? कौन है वो? मेरे हिसाब से गोविंदा सर होना चाहिए, वो बहुत बड़े कॉमेडियन है, बहुत साल से वो नहीं आए हैं, मैं तो चाहता हूँ गोविंदा सर आए। अभी नहीं उस पर डिस्कस नहीं होगा। और ऐसा वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिन्हें आप कमबैक करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे, उनकी मूवीज भी नहीं आ रही और चाहते ही नहीं कि वापस आए? तब्बू। क्यों? उनका मुझे एक्टिंग पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है, पर है खूबसूरत, पर उनका एक्टिंग मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए। आपको पता है ना कि जैसे झिझकियाँ आ रही है हरमन बवेजा की, वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, राइट? देखने जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I'd be okay or not okay, it doesn't change what people have to say. तो चलिए, ऐसे कौन से, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो काफ़ी टाइम से उनकी मूवीज नहीं आई है ना, तो पहले एक नाम ऐसा बताइए जिन्हें आप चाहते कि वो कमबैक करें, और एक नाम ऐसा बताना कि वो कभी कमबैक ना करें, वैसे ही रहे, उनकी मूवीज कभी ना आए। एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है मनीषा कोइराला, जिनको मैं चाहता हूँ कि वो आए वापस। और जो एक्ट्रेस है, नहीं, जो एक्टर है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो नहीं आए, वो कमबैक के लिए, हाँ, उदय चोपड़ा, वो एक है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ना आए, बट वो आया था धूम 3 में, मेरा दिमाग खराब हो गया है ना।
कसम से। तो आप चाहिए कि वो वहीं रहे, आए ना वापस? नहीं आए तो अच्छा है बस। जब धूम है तो मैं एक्टर हूँ, जब धूम नहीं है तो मैं एक्टर नहीं हूँ। ऐसा वो कौन सा एक्टर है जिन्हें आप कम बैक करते हुए देखना चाहेंगे? काफी टाइम से उन्होंने मूवी नहीं की और आप चाहते हैं कि वो आए जल्दी। I would like to see R. Madhavan. क्यों? Because मैंने उनकी जो मूवी देखी थी रहना है तेरे दिल में, उसमें उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और मैंने उसके बाद उन्हें कभी देखा नहीं किसी मूवी में। नहीं, नहीं, उनके बाद थोड़े बहुत तो आए थे, वो तनु मनु में भी आए थे, लेकिन हाँ थोड़े मुझे लगता है कि जो उन्होंने उनकी जैसी परफॉर्मेंस थी उसमें जितना वो डिजर्व करते थे सक्सेस उन्हें वो नहीं मिला। अच्छा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें चांस मिले और वो वापस आए। अच्छा। और ऐसे वो कौन से लकी एक्टर या एक्ट्रेस होंगी जिन्हें आप कभी वापस देखना नहीं चाहेंगे? क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम की उन मूवीज़ नहीं आई और चाहते भी नहीं कि वो वापस आए। ऐश्वर्या को मैं वापस नहीं देखना चाहूँगा। ऐश्वर्या को क्यों? कोई ऐसा मुझे मतलब उनकी एक्टिंग में कभी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई एक्सेप्ट कि शी वॉज मिस यूनिवर्स, सॉरी मिस वर्ल्ड। वो मिस वर्ल्ड रह चुके हैं लेकिन उसके अलावा मैंने उनकी जितनी भी मूवीज़ देखी उसमें उनकी एक्टिंग में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं है। अपने आप के बारे में सोचने से पहले सबको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पहले सोचना पड़ता है। ऐसा वो कौन सा एक्टर होगा जिन्हें आप कम बैक करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ गोविंदा जी जो हैं वो कम बैक ना करें। क्यों? क्योंकि म्यूजिक एल्बम अभी लॉन्च किया उन्होंने, कुछ खास नहीं था। नहीं था? आपको दम तो बहुत थी उस टाइम में, दम थी ये जब उन्होंने इतनी सारी फिल्में की, अभी दम नहीं दिख रही। यही काम है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ से होता रहेगा होता रहेगा। वन एक्टर होम यू वुड लाइक टू सी डूइंग अ कमबैक कैन बी एन एक्ट्रेस और एन एक्टर? करिश्मा कपूर। व्हाई? बिकॉज आई लव्ड हर इन दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, ऑल ऑफ दोस मूवीज एंड आई वुड रियली वांट हर बैक एंड आई थिंक। बट यू नो शी वाज देयर इन वन मूवी सम टाइम बैक, राइट? बट आई डोंट थिंक यू आर सैटिस्फाइड विद दैट कमबैक। यू थिंक शी शुड हैव अ सेकंड कमबैक? द मूवी, आई रियली हैवंट सीन द मूवी, सो यू मीन शी हैजंट मेड अ कमबैक येट? यू वांटेड टू डू इट अगेन? या। Okay. A better one. Better one. Yeah. I'm feeling very nostalgic. And one actor whom you never want him or her to come back on Bollywood screen again. It's been quite some time that you've seen that person and you don't want that person to come back on screen. Jackie Shroff? अपना अपना स्थान होता है, जहाँ तू खड़ी है वो तेरा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा। Name me one actor whom you would definitely like that he or she comes back on screen, does a comeback. Has to be Kajol, because she's been so bubbly and she's lived her roles. Whenever she's been in any movie, she's lived the character and the roles perfectly. I think more than that, I think we're looking for good films. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रीकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। इलेक्शंस की गर्मी इन दिनों पूरे देश भर में फैली है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर द वोट्स एंड एज पर द सोर्सेज आम आदमी पार्टी इज यूजिंग आमिर खान फॉर देयर प्रमोशंस। दे हैव एन एड विद आमिर्स फेस ऑन इट वेयर ही विल टॉक अबाउट आम आदमीज एजेंडाज। इलियाना डी क्रूज ने जूम से बातचीत करते हुए वरुण धवन की काफी तारीफ की। द एक्ट्रेस सेड दैट दिस को-स्टार हैज ऑल द क्वालिटीज दैट शी एवर डिजायर टू हैव इन हर पार्टनर। इलियाना ने ये भी कहा कि वरुण वो लड़का है जिसे हर लड़की अपने माँ बाप से मिलवाना जरूर चाहेगी। Deepika Padukone is offering her fans to do a ramp walk with her. Deepika, who has also turned designer for a leading clothing brand, will personally choose fans who can wear the garments from her designer collection under a contest. Wo contestants ko khud ramp walk ki training dengi aur saath mein walk bhi karengi. खबरों की माने तो things are getting very serious and real between Harman Bavej and Bipasha Basu, the new lovebirds of Tinseltown. Harman ne recently Zoom ko bataya ki wo Bipasha Basu ki mom and dad se mile. Harman ne kaha ki wo Bengali mein jo bhi bolte hain unhe samajh mein aa jata hai. Sonam Kapoor ne kaha that she is very fond of her brother. She also said that instead of she advising him, it's the other way around. Sonam ko aksar unke bhai advice dete hain ki unhe kaun si film karni chahiye aur kaun si nahi. Aur yahi nahi, apne dad ko bhi kafi baar advice de chuke hain wo. किंग खान के बेटे आर्यन अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। SRK सन आर्यन वाज क्लिक्ड वेयर ही वाज किस्ड बाय टू गर्ल्स। द पिक इज गोइंग वायरल ऑन नेट। जस्ट लाइक हिज फादर, द फीमेल अटेंशन हैज बीन शावर्ड ऑन द सन एज वेल।
Anushka Sharma has instructed everyone at YRF to not talk about Virat Kohli and her. Even her manager keeps denying about their affair. YRF has been asking her to give dates for brand-related events, but she refuses to budge as she wants no questions on Virat and her. लगता है यही वजह है कि अब अनुष्का अपनी आने वाली फिल्म PK and Bombay Velvet के प्रमोशंस के वक्त ही नजर आएंगी. It's the reunion time for Saif and Dil Chahta Hai's team. Saif Ali Khan, who was one of the most loved characters in Ritesh Sidwani and Farhan Akhtar's cult film Dil Chahta Hai, teams up with this dream team after more than a decade. News has it that the Nawab of Patodi has signed up for a solo starrer with his buddies. Ek bahut hi dilchasp lover ke kirdar mein nazar aayenge Saif Ali Khan. कंगना रनौत की क्वीन बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमाल कर रही है. ट्रेड एनालिस्ट की माने तो फिल्म अपने थर्ड वीक में 45 करोड़ तक का कलेक्शन कर चुकी है एंड लीविंग अदर फिल्म्स लाइक सोनम कपूर्स बेवकूफी एंड माधुरी दीक्षित गुलाब गैंग ट्रेलिंग इन इट्स वेक. अनुराग कश्यप कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते. ही रिक्वेस्टेड फॉक्स टू प्लीज पोस्टपोन द डेट ऑफ बॉम्बे वेलवेट एज आमिर्स PK इज रिलीजिंग ऑन द सेम डेट. बॉम्बे वेलवेट इज अनुराग्स मेगा बजट फिल्म सो ही डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क. सो नाउ रणबीर एंड आमिर विल नॉट क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.